खेमेश्वरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में चल रहे शिव महापुराण के तीसरे दिन सोमवार को कथावाचक पंडित गरिमा किशोरी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जीवन में बनावटीपन और दिखावे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इंसान को दिखावे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बनावटी भाषा और झूठ रिश्तों को तोड़ती है और जीवन में सकारात्मकता को अवरुद्ध करती है। पंडित गरिमा किशोरी ने बताया कि शिव महापुराण का उद्देश्य विश्व कल्याण है और मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म ईश्वर की भक्ति के लिए होता है और इसके लिए मनुष्य को बुरी सोच, बुरी दृष्टि, खराब आहार और अनावश्यक सजावट से दूर रहना चाहिए। उनका कहना था कि शिव ने अपनी शादी में नंदी पर बैठकर ससुराल गए थे और इस अवसर पर कोई दिखावा नहीं किया। यह दिखाता है कि वास्तविक भक्ति और पूजा दिखावे से परे होती है। महापुराण का, शिव महापुराण का तीसरा दिन है। आज पार्वती जी का जन्म होगा, तो जन्म के उपलक्ष्य में खूब धूमधाम से मनाया जाएगा और पार्वती के जन्म होने के बाद आरती और प्रसाद वितरण कराया जाएगा। आज प्रसाद में पूरा भंडारे का रखा गया है। यह भंडारा हमारे सोनू भाई ने, आज के परिषद है, उन्होंने कराया गया है। बीके मोबाइल वाले और बाकी सब कमेटी वाले सब लोग आपस में। मेरा नाम अजय मावर। आज भागवत कथा का तीसरा दिन है। पंडित गरिमा किशोरी जी द्वारा शिव महापुराण की कथा की अमृत वर्षा हो रही है। बहुत अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्रीय वासी कथा का रसपान कर रहे हैं और बहुत आनंदित है। बहुत ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है, जिससे जो है इतना बेहतरीन और सुंदर माहौल बन रहा है और अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंदित जो है वातावरण सब हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिव महापुराण कहीं भी यह नहीं कहती कि राम और कृष्ण को छोड़ दो। पंत और भ्रम पैदा करने वाले लोग कहते हैं कि शिव के मंदिर मत जाओ, लेकिन शिव रुद्र रूप वाले होते हुए भी सबके पिता हैं। पंडित किशोरी ने कहा कि यदि शिव पूजन में कोई कमी रह जाए तो पार्वती उस कमी को पूरा कर देती हैं और शिव कभी किसी को श्राप नहीं देते। बहुत आनंद आ रहा है मुझे और मैं तो चाहती हूँ हर समय ऐसे ही प्रोग्राम होता रहे, जी दीदी आती रहे, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम में। जे देना चाहती हूँ जे दीदी आती रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भागवत कथा और क्या बोलते हैं सब आनंद ले रहे हैं चमेश्वर मंदिर में और राधे राधे सब। शिव की पूजा और भक्ति के लिए सजावट, अच्छा कपड़ा पहनना और केवल दिखावे से काम नहीं चलेगा। असली भक्ति दिल से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण से आती है। उन्होंने ये भी कहा कि काल महाकाल का कोई निश्चित समय नहीं होता और मृत्यु का भी कोई समय नहीं होता। शिव महापुराण के इस विशेष अवसर पर शाम को भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर परिषद सोनू, मंजू माहौर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।